शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सूरज से बात हुई या नहीं? आई एम ट्राइंग सर, कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहे हो? अभी तक हमारे पोते से हमारी बात नहीं हुई। सर, हिंदुस्तान और लंदन में कुछ 4.5-5 घंटे का फर्क है। इस वक्त वहाँ सुबह के 5 बजे हैं। वो लैंड लेडी सर, वो सूरज बाबा को उठाने को तैयार नहीं। अच्छा, फोन रखो। अल्लाह ही ये वाला नहीं, वो वाला नहीं, फोन तोड़ दिया। नहीं, ये कहाँ है? हेलो हेलो महेश, मैं धनराज गिर बोल रहा हूँ। मर गए दादाजी। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जी। महेश, मैंने तुम्हें लंदन सूरज की देखभाल के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा नालायक निकले। 5 बार सूरज यहाँ का आना कैंसिल कर चुका है। अभी कहाँ है वो?
जी वो दवा खाने गया है, नहीं हवा खाने गया है, नहीं जॉगिंग के लिए गया है। आजकल बहुत जॉगता है, नहीं भक्ता नहीं जॉगता है। प्यार किसी से होता है ये हाल जब प्यार किसी से होता है। ये दिल कहीं लगता नहीं, तेरी तरह मेरी तरह पागल सभी हो जाते हैं। प्यार किसी से होता है, तेरी याद नहीं जाती। तौबा मेरे यार जब प्यार किसी से होता है, ए होता है ये हाल जब प्यार किसी से होता है। ये दिल कहीं लगता नहीं, तेरी तरह मेरी तरह पागल सभी जाते हैं। ओ पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है। प्यार में करूं बेवफाई, ऐसा नहीं मैं हर जाई। लाखों हसीनों को देखा, तू ही पसंद मुझे आई। होता है कमाल जब प्यार किसी से होता है, ओ होता है ये हाल जब प्यार किसी से होता है। ये दिल कहीं लगता नहीं, तेरी तरह मेरी तरह पागल सभी हो जाते हैं। ओ पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है, ए होता है ये हाल जब प्यार किसी से होता है। जितने बोली मुझे सब समझ आ रहा है। I'll be back soon, next week. Ciao, Suraj. Letzte Nacht. Okay, bye. See you. Take care. Bye. Oder komme ich bis zu dir? Bye. I don't know what she was talking about. Ti amo. Bye. Ah, Suraj. Oh my love. Hi. ये मुझे गांव भिजवाएगा। Suraj. ये क्या हो रहा है? ये लड़कियों का प्रोग्राम कब तक चलता रहेगा? यार, मुझे गोरी लड़कियों का बहुत डर लग रहा है। आजकल क्या-क्या बीमारियां निकली हैं? अबे कुछ नहीं होता। इनके पंगे में मत पड़। तो इनकी नीली नीली आंखें,
भूरे भूरे बाल, गोरे गोरे गाल, लाल लाल होंठ, हाय कैसे जी पाऊंगा इनके बिना मैं। जी लूंगा, जी लूंगा, अरे बिल्कुल जी लूंगा यार। ओके गर्ल्स, बाय, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय, सी यू। प्लीज घर भी आ गया, लैंड कर ले। थैंक गॉड, आज आराम से बाहर निकल, मैं भी निकल रहा हूं। महेश, तू दादाजी को नहीं बोलेगा कि मैंने शराब पी, ओके? ओके ओके दादाजी। दादाजी सूरज मेरा बेटा। हाय दादाजी। कैसा महेश मेरा बच्चा, क्या करते हो तुम? पांच बार फोन करके बोले कि हिंदुस्तान आ रहे हो और फिर आए नहीं। अब देखो इस उम्र में मुझसे इतनी एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं होती मेरे बच्चे। कम ऑन दादाजी, आप उम्र की बात करें, अभी तो आप यंग है दादाजी। अच्छा ये बताओ कि 12 बजे तुम्हारी फ्लाइट लैंड हुई होगी, अभी 1:15 बजे हैं, 1.5 घंटे में कस्टम क्लियर हो, यहाँ भी पहुँच गए कैसे? जी ऐसा ना कि हम लंदन से मुंबई एयरपोर्ट तक हवाई जहाज में आए और मुंबई एयरपोर्ट से यहाँ तक समझो कि हवाई जहाज में आए। बकवास मत करो, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी इसकी बकवास करने की आदत है, हम लोग इतने तेज भी नहीं आए। दादाजी 8 घंटे की फ्लाइट थी, 12 घंटे लग गए, हम लोग थक गए, जाके सो जाए। ठीक है, थैंक यू दादाजी। एक मिनट सूरज, मैं एक एक्सीडेंट में अपना एक बेटा खो चुका हूं, दूसरा नहीं खोना चाहता बेटा। मुझे कुछ नहीं होगा दादाजी, आप हो ना मेरे साथ। एक बात और, दोबारा कभी मेरे सामने शराब पी कर आओ ना तो मुंह उस तरफ करके मुझसे बात नहीं करना। एक बात याद रखना कि सबसे पहले मैं पैदा हुआ था, उसके बाद तुम्हारे पिताजी पैदा हुए थे, फिर तुम पैदा हुए थे, समझ गए ना? जी। थक गए होंगे, जाओ सो जाओ। जी। दादाजी मैंने शराब नहीं पी। तूने नहीं पी? नहीं पी। मेरा बच्चा। जी जाओ। खांसी की गोली खाली, सर्दी की खाली, हाजमे की गोली खाली, बुखार की खाली, और एड्स की गोली, एड्स से मेरे को है नहीं यार। भूलने की गोली खाली, याद रखने की गोली खाली, भूल के याद रखने की गोली खाली, नींद की गोली। नींद का प्रॉब्लम मेरे को है, तेरे को है? मेरे को है। तो बिल्कुल दादा की तरह लग रहा है। होश में आने के लिए गोली की नहीं, तेरे को थप्पड़ की जरूरत है। दादाजी, दादाजी। क्या इतनी गोलियां खाते रहते हो? मुझे 350 बीमारियां दादाजी, क्या करूं? तुम्हारी बीमारियों का बस एक ही इलाज है। क्या है? कैप्सूल या टैबलेट, बोली ना। अरे ना कैप्सूल है ना टैबलेट है, तुम्हारी और सूरज की शादी हो जानी चाहिए। शादी सूरज की? दादाजी आप भी जोक कर रहे हैं, अरे उसको बेडरूम से फुर्सत मिले तब ना। बेडरूम से फुर्सत मतलब? मेरा मतलब किताबें बहुत पढ़ता रहता है वो, एक से एक किताबें पढ़ता है, दिन रात किताबें किताबें, लाल पीली हरी काली छोटी बड़ी लंबी, चाइनीज फ्रेंच नेशनल इंटरनेशनल किताबें पढ़ता रहता है। मतलब हमारा पोता बहुत सारी भाषाएं जानता है। भाषाओं का बाप रे बाप, ऐसी ऐसी भाषाएं बोलता है मेरी तो पल्ले ही नहीं पड़ती। गुड, वेरी गुड। एक बात बताओ महेश बेटा। दादाजी जब आप मुझे महेश बेटा बोलते हैं ना तो मुझे डर लगने लगता है। नहीं नहीं डरने की कोई बात नहीं, ये बताओ इन गोलियों में कोई सच बोलने की गोली है? सच बोलने की गोली अगर होती तो मैं पैदा होते मर नहीं जाता, ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अच्छा बेटा मेरे पास एक सच बोलने की दवा है, बस एक आखिरी महेश, लो लो बेटा, लो महेश। क्या बात दादाजी, क्या कर रहे हैं आप? अरे लो ना। तो मैं सच बोलना शुरू तो कर दिया ना। बेटा पियो। थैंक यू दादाजी जी। तो इन लड़कियों में से ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो सूरज को वाकई पसंद आई? आई थी ना, एक हिंदुस्तानी लड़की पसंद आई थी और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे,
एक महीने तक सिलसिला चलता रहा। कौन सी लड़की थी? I'm sorry, wait, that girl, yeah. Only one month. फिर क्या हुआ? फिर सूरज की गाड़ी एक स्टेशन पर कब तक रुकेगी? आगे आगे चलती गई। इन स्टेशनों पर भी तो पहुंचना था। बहुत स्ट्रगल दादाजी, ट्रैवलिंग। जन्मदिन मुबारक हो। जीवन के 60वें साल में आपका स्वागत है। थैंक यू। दादाजी आपको जन्मदिन मुबारक। हाथ में दो। आपको मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छा, और तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारी सारी बीमारियां भी लग गई तो? बस बस, ये बताओ कि आज सूर्य उदय हुआ या नहीं? जी वो तो अभी तक सो रहा है। ठीक है, आज इस कुंभकर्ण को मैं खुद जाकर जगाऊंगा। कम विद मी। चलो। तो सूरज सो रहा है, हाँ? कभी तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें झूठ बोलते हुए। दादाजी मुझे माफ कीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। दादाजी मुझे प्लीज माफ कीजिए। Disgusting. मुझे सूरज से बात करनी है। आप कौन बोल रहे हैं? आनंद धनराजगीर। सूरज को फोन दो। जस्ट होल्ड ऑन। सूरज किसी धनराजगीर का फोन है। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे इनकम टैक्स कमिश्नर का फोन यहाँ पे रेड पड़ने वाली है। क्या? मेरा कहना मानो, तुम भी अपने रिटर्न्स फाइल कर लो। पहले मेरी पैंट तो रिटर्न कर दो। महेश, महेश मुझे फंसा कर टेलीफोन बात कर रहा है। एक मैंने तुझे बता दिया था मत नहीं ना सूरज, एक मैंने अभी भी कहना था तुझे मेरी बीमारियों का वास्ता। अरे मेरे पिता की बात है, अबे दादा दिन तेरी हालत बिगड़ती है। मेरे पिता तो होता है हर सूरज, मेरे पिता का दिन भर रात भर लड़कियों के साथ घूमता रहता है और मेरे से दादागिरी करता है। टॉय बोलता है काम ये काम तो करते हैं, तो ऐस करने आया हूँ। मुझे तो गोली मार देनी चाहिए। दादाजी को तूने मेरा पता बताया क्यों? क्यों दादा जी ने मुझे सर बोलने की गोली खिला दी थी। एक तरफ दादा, दूसरी तरफ ये बोला। मैं बोला मुझे तेज चला। भाग निकल, भाग चल, भाग चल, भाग चल। दादाजी तूने बताया क्यों? बताया क्यों तूने? तूने दादाजी को मेरा टेलीफोन नंबर दिया क्यों? क्यों दिया बोल? दादाजी का बर्थडे हो और पोता विश करने ना आए, बुरी बात नहीं है? तो ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताता, तुझे लड़कियों की आवाज के सिवाय किसी और की आवाज सुनाई देती है? सूरज बाबा, तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा, लेकिन जब तुम्हारे डैडी जिंदा थे तो ये दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सुबह से शाम तक तुम्हारे डैडी दादाजी के पास रहते थे। आज उन्हें अकेला देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कहाँ है वो? ऑफिस में। So if we get this kind of an aid which he has promised us and we put that aid into the power plant, I'm yes, sure we will make progress. दादाजी मैं आपसे बहुत अपसेट हूँ। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, क्यों बात नहीं करना चाहते हो? क्योंकि इन सब ने आपको विश किया and you didn't give me a chance to wish you happy birthday. He is upset that he was not the first one to wish me happy birthday. It is my birthday. Oh, wait, wait, wait. दादाजी, जन्मदिन मुबारक। आज जीते रहे मेरे बच्चे, जीते रहे। That's my grandson, सूरज धनराजगीर. The famous playboy. No, player. Famous player. I play cricket. ये सोचता है कि मैं पैदाइशी बेवकूफ हूँ। जैसे ये नहीं जानता कि मुझे पता है इस वक्त ये मेरी पीठ पीछे इस लड़की को गुलाब का फूल दे रहा है जो मेरे लिए लाया था। दादाजी ये फूल आप ही के लिए। Just for Dadaji's birthday. Really, Dadaji बहुत great है। देखो, मेरा ही देखो। मुझे कभी उन्होंने गैर नहीं समझा यार। हमेशा मुझे अपना बच्चा समझाया मेरे को। तेरे एक ही problem है man। जब तू दारू पीता है ना, तू बहुत emotional होता है। I'm sorry, but Dadaji मुझे he loves me by heart, you know. I'm sorry यार। Yes, yes. Yes. Yeah.
सूरज अब तक नींद आ रही है ना, नो प्रॉब्लम, आराम से। लेकिन आज मजा आ गया, पूरे बार को धो दिया 501 बार से, सेट सेट सेट, आगे संभालना, ऊंचाई चढ़ेगा, हाँ लेफ्ट मार, लेफ्ट लेफ्ट मार, तू सूरज दादाजी, गुड मॉर्निंग दादाजी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कहाँ से आ रहे हो? दादाजी आ नहीं रहे, जा रहे। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जॉगिंग के लिए जा रहे हैं। जॉगिंग के लिए? ये सूट पहनकर? हाँ दादाजी, बाहर बहुत ठंड है ना, इसीलिए। हाँ बहुत ठंड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैं भी चलता हूँ। खड़ा नहीं हो जा रहा, जॉगिंग क्या करेंगे यार? तो तुम आ नहीं रहे हो, जा रहे हो? जा रहे, जॉगिंग पर, जॉगिंग पर, सूट पहन कर, सूट पहन कर, बाहर ठंड है, ठंड है, तो मैं भी चलता हूँ। कहाँ? जॉगिंग पर। क्या पहनकर? सूट पहनकर। क्यों? बाहर ठंड है। तूने मरवा दिया ना। शर्मानी चाहिए इनको, इतने जवान होकर भी एक बूढ़े से पीछे रह गए। बुलाओ इन्हें। आ गए सर। तुम लोग रात भर पियोगे तो और क्या होगा तुम्हारे साथ? जब नशा उतर जाए तो ऑफिस में आ जाना, तुम लोगों का नशा उतारना जरूरी है। ले जाओ इन्हें। आप चलिए, मैं एम्बुलेंस मंगवाता हूँ। कैसे चलेंगे बाबा? आओ आओ, आओ। इधर इधर ना, एक मिनट। क्या है? अबे ब्रेक लगा दिया मेरे पीछे, इसको लगा दिया, उसको संभाल ले। Excuse me? Yes? वो जो लड़की अभी यहाँ थी वो? आप कौन हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। मैं आपका भाई हूँ। ओह भैया, भाभी तो अभी चली गई। थैंक यू सो मच। अर्जा महेश। या अबे ऐसा होता है जब प्यार किसी से होता है, कमाल। लाइट्स प्लीज। कैसी जगह है? बहुत अच्छी जगह है, बहुत बहुत ही अच्छी जगह है। फाइव स्टार होटल के लिए कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा भी यही ख्याल है। मैंने सोचा है कि इस जगह पर मैं एक फाइव स्टार होटल बनाऊं, जानते हो उसका नाम क्या रखूंगा? क्या? सूरज इंटरनेशनल। ओह लवली 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 नेम, लवली। मेरा भी यही ख्याल है। तो तुम लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया? बहुत 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 पसंद आया। मेरा भी यही ख्याल है। ये रहा प्लान इस प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 4 महीने के अंदर ये होटल तैयार हो जाना। 4 महीने के अंदर ये होटल? इनसे नहीं, तुम दोनों से। दादाजी हम दोनों? और इस जगह पर? हाँ जी, तुम दोनों इस जगह पर, क्योंकि मेरा ख्याल है कि तुम दोनों के अलावा ये प्रोजेक्ट कोई पूरा नहीं कर सकता। बाय बाय, गुड लक। बाय। अरे यार दादाजी की इस दादागिरी के प्लान से बचने का कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं। महेश। हाँ। ये तो मुझे ऊटी नहीं लगता यार। भाई ये ऊटी नहीं है, ऊटी यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। ये लवडेल स्टेशन है, ये वो जगह है जहाँ दादाजी होटल का प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है जिंदगी आखिरी स्टेशन है, इसके बाद कब्रिस्तान होगा या शमशान। तो मत डरा यार, वरना गोली खानी पड़ेगी मुझे। साहब मैं आपका सामान उठाऊं? सामान तो उठा लेंगे, आपको कौन उठाएगा? एक काम करो चाचा, ये दवाई है, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को पी लेना है। जब तक हम वापस आएंगे आप बोझ उठाने काबिल हो जाएंगे। नमस्ते दादाजी ने भी। अरे सुंदरम आने वाले थे, सुंदरम कहीं ऊटी तो नहीं गया?
सुंदरम। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सुंदरम भैया, वो होटल प्रोजेक्ट के इंचार्ज हूँ। आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे मुझे थोड़ी देर हो गई। और ये गाड़ी रोके ना, आजकल वो टाइम पर नहीं आता। और आज क्यों माले नहीं है, वो गाड़ी राइट टाइम पर आए सर। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। अभी मुझे समझ में आया कि ये स्टेशन के कुली बूढ़े क्यों हैं। क्यों सर? गाड़ी के इंतजार में। आइए सर। कौन सी मॉडल की गाड़ी है? क्या दुश्मनी थी आपको हमसे? अरे आगे आगे आगे, रुक 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 रुक। गोली। Bear with me, sir, for inconvenience. ये रघु काका है। एक और बूढ़ा। सर आप अभी आराम कीजिए, मैं कल सुबह आके आपको साइट पर लेके जाएगा। ओके सर। ओके। चलिए साहब जी अंदर चलिए, नहीं तो आप लोगों को सर्दी लग जाएगी। आप लालटेन नहीं लाए? अच्छा चलिए। 1 2 3। ये रहा साहब जी आप लोगों का कमरा। अच्छा अच्छा, आपको कुछ चाहिए साहब जी? यहाँ से दवाई की दुकान कितनी दूर है? वो तो मैं ले आऊंगा साहब जी। लेकिन आपको वहाँ से कौन लाएगा? फिर आपको क्या चाहिए साहब जी? जो मुझे चाहिए आपके पास नहीं मिलेगा। मेरे पास, इनके पास है। थैंक यू। सूरज जी आप जाके आराम कर लीजिए, मैं बाहर जाके कुछ दवाइयाँ ले आता हूँ और आप वाली भी ले आता हूँ। इनको भी जीना है, इनके लिए भी ले आता हूँ। आप चलिए 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 चलिए। रघु काका चलिए। क्या बात है, अजीब मोटर है यार। अरे वाह, कितनी खूबसूरत जगह है यार ये। हाँ बहुत खूबसूरत जगह है, खुद कुछ करने को दिल कर रहा है मेरा। अरे मुझे वर्टिगो है, चक्कर आ रहे हैं। सर यहाँ 5-star होटल में कौन आएगा? यहाँ मुश्किल से आदमी दिखाई देते हैं और जो भी दिखाई देते हैं वो बूढ़े दिखाई देते हैं। हम तो जवान सूरतें देखने को तरस गए हैं। सर वैसे बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहाँ का यंग क्राउड जाता कहाँ है? मुंबई। सर समर में बहुत अच्छा क्राउड है सर, और काफी टूरिस्टों भी आता है सर, पर लेकिन जरा ओल्डर पीपल आता है। वो तो दिख रहा है। सर सर इधर लोकल पीपल है ना, उसे ज्यादा वो रिटायर्ड आर्मी और नेवी ऑफिसर्स हैं। तो फिर यहाँ पे 5-star होटल कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता है सर, इट इज इम्पॉसिबल। अरे तो फिर आपने दादाजी को बताया क्यों नहीं? सर मैं दादाजी को बताया, वो सुनने वाला कौन है? ये बताइए कि यहाँ का यंग क्राउड एंटरटेनमेंट के लिए क्या करता है? एक सिनेमा थिएटर है सर, वहाँ साइलेंट पिक्चर दिखाते होंगे ना। अच्छा आप दादाजी को फोन करके बताइए कि यहाँ का 5-star होटल का प्लान कैंसिल और कल हम वापस आ रहे हैं। नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं। अच्छा सर ये ऊटी यहाँ से कितनी दूर है? सर वो पहाड़ी आप देख रहे हैं ना उसके पीछे। अच्छा आप वहीं से गिर जाइए। आप क्या बोल रहे हैं सर? सर 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 बाय रोड जाइए ना, डेढ़ घंटे का रास्ता है, आप शॉर्टकट से चल के जाइए ना, 20 मिनट में पहुंच जाएगा। चलो ऊटी चलते। मैं नहीं आ रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं यार। अच्छा तू नाना जी को संभाल, मैं जा रहा हूँ ऊटी। तू ऊटी जा रहा है? अरे ऊटी को सूरज, अरे कहाँ जा रहा है सूरज यार? ए भगवान मर गया। सर क्या हो गया सर? 4 बूटे बुलाओ। वाई वाई कंधा देने को। भाई साहब ये ऊटी कितनी दूर है यहाँ से? ये ऊटी ही तो है। मेरा मतलब है कि शहर कितनी दूर है? वो पहाड़ी के पीछे। थैंक यू। मैं छोड़ाऊं तुम्हें? नहीं बैठो 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 बैठो, क्या उठेंगे और क्या छोड़ के आएंगे। सब ठीक है कोमल बेटी, तुम सुनाओ सिन्हा साहब यहाँ हैं क्या? नहीं पापा नहीं आ सके, उन्हें बहुत काम था, मैं ही चली आई चाचा चाची से मिलने। अच्छा किया। शर्मा जी मेरे साइज की सैंडल दिखाइए ना। तुम बैठो, मैं लड़के को अभी भेजता हूँ। ओके। ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है, क्या कर रहे हैं आप? मैडम नाराज मत होइए,
मेरी अंधी बहन और विधवा माँ का क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई तो? मैं कब से कह रही हूँ 6 नंबर की सैंडल दिखाई। 6 नंबर? अच्छा दिखाई जरा। ये 6 नंबर? 5.5 नंबर मैडम। ओह क्या कर रहे हो आप? ये आप मुंबई की रहने वाली हैं? हाँ। आपको फूलों से बहुत लगाव है? हाँ। अभी अभी आपकी बहुत करीब की सहेली की शादी हुई है? हाँ। एक और बात बताऊं? ओह आपकी जिंदगी में एक बहुत हैंडसम नौजवान आने वाला है, उसके नाम के पहले 2 अक्षर हैं ST। सूरज धनवा, अब ये सब मेरे पैर में लिखा है? जी मैम। अरे वाह, लोग हाथ की लकीरें पढ़ते हैं, आप पैर की लकीरें पढ़ते हो। एक्चुअली मैडम आई बिलोंग टू फैमिली ऑफ ज्योतिषीज और ये तो मेरा पास्ट टाइम जॉब है। आपको तो ज्योतिषी ही बनना चाहिए। वैसे मैंने आपको कहीं देखा है। एक्चुअली मैडम लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल संजय दत्त से बहुत मिलती है। शायद। और बताइए ना, आपके बालों का रंग काला है, आप गोरी हैं, आपके पैर पे एक दिल है। Excuse me, आप कौन है? ये आपका सेल्समैन नहीं? नहीं तो इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब आप ये जानना चाहेंगी कि आपका क्या नाम है? आपका नाम है कोमल सिन्हा और मैडम आपके वजह से मेरी नौकरी चले गई। और सर आपको तो मेरी अंधी माँ, विधवा बहन और लंगड़े भाई का ख्याल रखना चाहिए था। आप कमीने हो आप। आजकल के यंगस्टर्स इस टाइप की मस्ती करते रहते हैं। और बेटी वैसे भी आज तो वैलेंटाइन डे है। मिल गई। तो फिर जाना कैंसिल? कैंसिल। कौन मिल गई? कोमल। अरे यार इस जंगल में कौन मिल गया कोमल? यार कोई आदिवासी होगी मरवाएगा तू। यहाँ कोई 80-90 साल से कम नहीं है। यंग है कोमल सिन्हा, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सिन्हा है। साहब जी ये फोन भी मेरी तरह डेड है। यहाँ पे आजू बाजू अगल बगल में कोई टेलीफोन है? हाँ जी, ये आगे वाले सड़क के मोड़ पर एक पब्लिक टेलीफोन है। टेलीफोन है मछला। क्या तेरे पास सिक्के? पब्लिक कॉल है आपके पास? थैंक यू, ये ले ले, इससे काम चला ले, बाकी फिर रघु चाचा और मैं भीख मांग के ले आते हैं। हाँ जी, ये मुझे बीमार करके छोड़ेगा। 4 दिन और रहो ना यहाँ पे, आप में मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा, ऐसे हो जाऊंगा मैं। चलिए ऐसे हो जाऊंगा। ये मोटर कमाल का है काका। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सबके सब रॉन्ग नंबर है यार। मांग के लाया हूँ यार, ट्राई कर। हे प्रभु, लग जा कोमल को लग जा। हेलो, कैन आई स्पीक टू कोमल सिन्हा प्लीज? जी मैं कोमल सिन्हा से बात कर सकता हूँ? वो तो मर गई। क्या? लेकिन मैं तो आज ही मर गई कल। लेकिन कल ही मर गई। नहीं नहीं हो सकता। लो हाँ जी, वो तो कल ही मर गई। अच्छा क्या 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 क्या, हमें बहुत अफसोस हो गया। अरे कोई बुड्ढी मर गई, दूसरा ड्राइवर। Hello. Yeah. Hello. Yes. Can I speak to Komal, please? May I know who's calling? Suraj. अरे सूरज धनवा। धनवा? बोल। Hello. जी. सूरज धनवा बोल रहा हूँ। बेटे कब आए तुम? जी मैं आज ही आया सुबह को। अच्छा, मम्मी डैडी नहीं आए? मम्मी डैडी? नहीं आए। तुम्हें अकेले भेज दिया लड़की देखने के लिए? जी। पर बेटा कोमल तो सो रही है, उठाऊं क्या? उठाऊं? नहीं आंटी, सोने दीजिए। ओके, उसे सरप्राइज दो बेटा, कल उसे नोव होटल में मिलो, देखते हैं वो अपने बचपन के दोस्त को पहचानती है या नहीं। हुँ? जी ओके आंटी। ओके बाय बाय। कोमल के फोन पर Hi. Oh, no. Bye. Not again. Oh.
वेटर यस मैम मुझे एक यस सर एक ग्रिल चीज सैंडविच और एक फ्रेश लाइम सोडा नो शुगर ओके मैम नो शुगर ओके सर कमाल है कमाल है पहली बार ऐसा हुआ है लव इट फर्स्ट ऑर्डर Just get up from here. क्यों? उठो यहाँ से. क्यों उठो? सुनिए सुनिए. आप बे बे. मुझे यही तो देखना था कि आप थप्पड़ कितनी जोर से मारती. Relax, relax, relax. आप किसी नीरज को जानती हैं? नहीं. पीरज को? नहीं. धूरज को? नहीं. सूरज को जानती हैं ना? बचपन के साथी. मुझे ये देखना था कि तुम बदल गई हो कि नहीं बदल गई हो बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं आओ बैठो आओ तुमने तो मुझे डरा ही 13 साल का हो गया 3,000 लड़के को रिजेक्ट किया सिर्फ तुम्हारे लिए तुम ओके पहचानती नहीं मुझे पूछती हो कौन है क्या है तुम शाम को घर आ रहे हो ना क्यों क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले गुजारना है तो हम लोग वहीं मिलेंगे जहां पहले मिला करते थे पहाड़ पे पहाड़ पे हाय चाची ओ हेलो बेटा हाय चाचा अरे बेटा तू सवेरे गई थी अब आ रही है मैं वो कोई मिल गया था क्या हाँ एक एक पुराना दोस्त मिल गया अच्छा, था चाचा पुराना दोस्त उसको घर लाना चाहिए था ना मैंने तो कहा था चाची लेकिन वो बरसों बाद उठी है ना खुली खुली हवा का मजा लेना चाहता था मैं चलती हूँ
ये रत जगे लंबी रातों के दिल ना लगे क्या करूं मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई दिल लिया जान भी लेगा ये प्यार हर जाए सूरज उठ पहले तेरी गरम गरम चाय क्यों उठाया तूने मुझे यार मैं कोमल के बारे में कोमल कोमल सपने देख रहा था कोमल के बारे में उल्लू बना रहा मेरे को उल्लू नहीं बना रहा यार ये मामला बहुत सीरियस है सीरियस है अगर ये मामला सीरियस होता तो उससे कह देता कि तू बचपन का दोस्त नहीं है उसका तू वो नहीं है जिससे अंकल आंटी उसकी शादी कराना चाहते हैं तू सूरज धनवा नहीं है तू सूरज धनराजगीर है समझे झूठा ड्रामा कर रहा है जानता हूं मैं क्या कि मैं सूरज धनवा नहीं हूँ सूरज धनराजगीर हूँ अरे मेरे बाप में जाके सब कुछ सच बता रहा हूं ना रियली हाँ वेरी गुड अच्छा ये बता कि नाश्ते में क्या है नाश्ते में रम है अरे वाह यार वोडका नहीं है वो लंच में और विस्की डिनर में चल जल्दी दो घूंट मार ले और नहा धोके निकल ले मेरी गोली यार हेलो यू मस्ट बी माय कोमल कौन है आप मैं You don't recognize me? No. Come on. You don't recognize me? I said I don't. I'm Suraj. You're Suraj. Suraj Dhanwa. What nonsense. Hello, Suraj. Welcome. Hi, Uncle Darling. आखिर कोमल ने तुम्हें घर बुला ही लिया. चाचा ये सूरज नहीं. एक्टिंग नहीं करो. हमें सब मालूम है. चाचा. सुबह से शाम तक तुम इसके साथ घूमती हो और यहाँ ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे हम कुछ जानते ही नहीं हैं. चाचा. कमाल हो गया बेटा. अरे तुम तो बिल्कुल नहीं बदले. मामा वाज एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू गेट योर लेटर. उन्होंने मुझसे कहा कि कोमल जैसी सुंदर लड़की तुमको कहीं नहीं मिलेगी. फौरन चला जाओ. बहुत अच्छा किया. चलो अब अंदर चल के नाश्ता करते हैं. तुम्हारी आंटी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है. वाओ लेट्स गो. शी मेक्स कमाल का आलू का पराठा. यस. कोमल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है. मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है. पहले मैं नहीं पहले मैं क्योंकि जो कुछ मैं कहने जा रही हूं शायद उसके बाद तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसी बात है क्या? तो फिर पहले तुम ही बोलो. आज मुझसे मिलने सूरज धनवा आया था. कमल मैं तुमसे यही बस. अब और झूठ बोलने की कोशिश मत करो. मैंने तुम्हें पहचान लिया है. तुम कुछ भी कर सकते हो. धोखा दे सकते हो. नाम बदल सकते हो. प्यार का नाटक कर सकते हो. अब चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? कहो ना कि तुम सूरज धनराजगीर नहीं हो. कहो कि तुम बहुत ही शरीफ आदमी हो जो शराब के करीब तक नहीं जाता. लड़कियों की तरफ आंख नहीं उठाता. कहो
क्या झूठ बोल रही हूँ? अब याद आए कि तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना क्यों लगता? तुम वही सूरत धनराजगिर हो जिसकी तस्वीरें मैगजीन्स पे छपती। ये बात नहीं कोमल, तुमसे प्यार, तुम जैसे लोग प्यार नहीं ढोंग करते हैं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आदमी पहाड़ की चोटी से गिरकर खड़ा हो सकता है, मगर किसी की नजर से गिरकर नहीं खड़ा हो सकता। और तुम मेरी नजरों में इतने गिर गए हो जहां तक मेरी नजर भी नहीं पहुंच सकती। क्या हुआ? उसे सच बताने से पहले ही मेरा अतीत मेरे सामने आ गया। देखा, तू हमेशा बोलता था ना अतीत अतीत कुछ नहीं है, प्रेजेंट और फ्यूचर है। अब तूने जो कुछ लाइफ में किया है ना, देख सामने आ गया। सोचा शादी करूंगा, सब कुछ बिगड़ गया। दिल छोटा मत कर, तू उससे प्यार करता है ना, उससे शादी करना चाहता है, जिंदगी बिताना चाहता है उसके साथ। तो देख, तू जो सोचता है ना वही होगा, तू टेंशन मत ले यार। मैं हूं ना, ये धनवा होना कि ऐसी की तैसी बचकंडे झिंगे तेरे सामने, क्लोरोफॉर्म सुखा दूंगा, 3 दिन तक उठेंगे नहीं। हाँ चल, तू टेंशन मत ले यार, चल मेरे साथ आ जा, चल। कम ऑन यार, टेक इट इजी यार, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। फिर नमस्ते जी। कोमल सिन्हा यहीं रहती है? हाँ रहती है। क्या बात है। कोई बात नहीं, आपको उनसे क्या काम है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? वो तो यहाँ नहीं है। देखिए, मैं बीबीसी नेटवर्क से आया हूँ। अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? प्लीज बैठिए ना। वो तो यहाँ नहीं है, आप चाहे तो मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं। कहाँ गई वो? वो तो बॉम्बे चली गई है। मैं हूँ रागिनी सिन्हा, बीए संस्कृत में, और मुझे बॉन्साई का बहुत शौक है। और बॉम्बे में 5-स्टार होटल में बुटीक चलाती है, और मेरे पास एक बरगद का पेड़ है करीब 34 साल पुराना, आप चाहे तो देख सकते हैं। कौन सा होटल? सॉरी जेंटलमैन, उस होटल के बारे में हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि कोमल ने किसी भी अजनबी को अपना पता देने से मना किया है। सॉरी। अच्छा, ओके जी। अरे चाय वाय तो पीते जाइए। नहीं साहब जी, जो मुझे पता नहीं बताते हैं, मेरे लिए उनकी चाय की पत्ती भी हराम है। समझा? अगरबत्ती, मोमबत्ती। अब मैं अपनी बत्ती जलाऊंगा। ओके बाय, सी यू। हाँ, उसे देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर लगता तो है कि इस बार उसे वाकई प्यार हो गया है। प्यार तो हो गया दादाजी, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है। मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है महेश कि इस बार तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। चलो अच्छा हुआ आखिर पटरी पर गाड़ी आ ही गई। पटरी पर तो गाड़ी आ गई, लेकिन स्टेशन गायब है। क्या मतलब? कोमल को पता ठिकाना नहीं। उसकी तुम चिंता मत करो, अगर सूरज का प्यार सच्चा है तो अपनी प्रेमिका को ढूंढ निकालेगा। आई एम श्योर ऑफ दैट। I hope so.
क्या चाहिए आपको? माफी चाहिए, मिलेगी। एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी बिजी नाउ। आप कोमल, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें झूठ बोल के पाया है, मगर झूठ बोलने का मतलब ये तो नहीं कि मेरा दिल वो नहीं है, कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कोमल, और मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सूरज कहां थे उस रात के बाद? I love you darling. I really missed you. I'm sorry Suraj. I didn't know. जानती हो पिंकी, पहली बार मैंने किसी से प्यार किया है। It'll be alright. हेलो कोमल जी। हाय। हेलो। हेलो, आपका बुटीक बहुत अच्छा है। थैंक यू। फैंटास्टिक, आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। बहुत खूबसूरत हैं आप। थैंक यू। आप औरों से बिल्कुल हटके हैं। थैंक यू जी, आपके लिए। पर आप कौन है? मैं महेश, अपना महेश। महेश? सूरज का दोस्त? या। Get out from here. मैं जानता हूँ आप सूरज से नाराज है, लेकिन लिखा हो तो पढ़ सकती हैं आप। प्लीज लीव। ओके, मेरे पास प्यार का टैबलेट है। क्या? प्यार का टैबलेट दूं आप? Get out from here. कैप्सूल भी है मेरे पास। मुझे कैप्सूल नहीं चाहिए। ओके ओके। कुमार, प्लीज लीव। एक्सक्यूज मी, आपका पार्सल, साइन प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जरा खोल कर देख लीजिए ना। ठीक है ना? नहीं नहीं, क्या है कि कभी पार्सल इधर का उधर हो जाता है, गलत जगह गलत चला जाता है, तो अच्छा होता मैं ड्यूटी करता वाले। महेश, यू जस्ट गोइंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये बात है दादाजी, पहली बार किसी लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया है। बहुत अमीर लड़की है क्या? नहीं दादाजी, किसी फाइव स्टार होटल के बुटीक में डिजाइनर है। वाह, इसके बावजूद उसने इस 35 लाख के ब्रेसलेट को लेने से मना। दादाजी, इसी बात का तो मुझे ताज्जुब है। बहुत कमाल की लड़की होगी यार। है? हाँ, और तू ऐसी लड़की को हीरे और दौलत के जोर पर जीतना चाहता है? फिर कैसे जीतूं? यू आर एन इडियट, टूट पड़ उस पर। टूट पड़ू पर कैसे? हाँ, ऐसी लड़की को दौलत से नहीं, दिल से जीता जाता है। दिल से दिखा दे उसे अपने ख्याली चमत्कार। कम ऑन माय सन। दादाजी, यू आर द ग्रेटेस्ट। ये टेडी बेयर किसने रखा? हाय कोमल। Thank you.
सूरज, क्या बात है बेटा? कोमल ने फिर से इनकार कर दिया। तू उससे बहुत प्यार करता है। तू फिक्र मत कर बेटा, फिक्र मत कर। तो अब मैं जाकर उससे बात करता हूं। मेरा बेटा, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आनंद धनराजगीर साहब, ये तो एक मेजर डिसीजन है। ऐसे गंभीर फैसले हम नहीं करते, हमारी बेगम साहब करती हैं। भाई साहब, इससे बड़ी इज्जत की बात भला क्या हो सकती है कि हमारी बेटी आनंद धनराजगीर की बहू बने। इससे ज्यादा बेइज्जती की बात नहीं हो सकती कि आपकी बेटी सूरज धनराजगीर की पत्नी बने। वो सूरज जो यूरोप का सबसे बदनाम प्लेबॉय है। कभी नहीं, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। कोमल, ये तो क्या कह रही है? कोमल बिल्कुल ठीक कह रही है। मिसेस सिन्हा बिल्कुल ठीक तो कह रही है। सूरज बच्चलन आवारा शराबी है, लेकिन वो जो कुछ भी उसमें उसका कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा है। सूरज के माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। दुनिया में वही एक ऐसा था जो जिसे मैं अपना वारिस भी कह सकता था, अपनी औलाद भी, और वही एक था जो मेरे जीने का सहारा था। तुम तो जानती हो बेटी कि प्यार अंधा होता है, लेकिन मेरी अंधी ममता भी ये नहीं समझ सकी कि वो किधर जा रहा है, और फिर वो इतना दूर निकल गया कि मैं खुद भी उसे वापस नहीं ला सका। और फिर एक चमत्कार हुआ, उसकी जिंदगी में तुम आ गई। वो सुधरने लगा, बदल गया वो। इसलिए मेरा पूरा यकीन है कि अगर तुम उसे सहारा दोगी तो वो दोबारा ऐसा हो जाएगा जैसा कि एक धनराजगीर को होना चाहिए। प्लीज, एक मौका बस। क्या आपको यकीन है कि सूरज जैसा आदमी बदल सकता है? सूरज का प्यार ही तो मेरा यकीन है। तो फिर मेरी भी एक शर्त है। दादाजी, आप मुझे बता दें क्यों नहीं कि उसने क्या कहा? महेश बाबू, ये आपकी शय और ये आपकी मात। वाह दादाजी वाह, मान गए। क्या है कि मैं दिमाग तेज करने वाली गोली खाना भूल गया था ना, अभी खाता हूँ, फिर मैं आपको हरा के बताता हूँ। अरे महेश, अब रहने देना यार। दादाजी, मेरी जिंदगी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और आप शतरंज खेल रहे, बताइए ना आप। अरे बताने से क्या फायदा, सूरज तुम वो करने वाले नहीं जो उसने कहा है। क्या नहीं करने वाला मैं? दादाजी फिर से गेम बिछा दो। हाँ जरूर बिछाओ, बिछाओ दूसरी गेम, लगाओ। I'm very sorry. अब बताइए क्या है। मिस्टर सूरज धनराजगीर, कोमल का कहना है कि तुम शराब सिगरेट छोड़ दो। क्या? हाँ। शराब पीना छोड़ दो और लड़कियों के आगे पीछे घूमना बंद कर दो। लड़कियों के आगे पीछे भी घूमना बंद कर दो? हाँ। वो 6 महीने तक देखेगी, अगर इस दौरान तुमने वो सब कुछ किया जो वो चाहती है तो फिर वो इस बारे में सोचेगी। सोचेगी? हाँ। तो तुम ट्रायल पे हो? दादाजी एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इतनी लड़कियां हैं इस दुनिया में, क्या उन्हें देखना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो और कामों पे लगो? ये शादी नहीं है तो गुलामी हुई यार। कल को मुझसे कहेगी दवाइयां छोड़ दो तो दवाइयां छोड़ दो। अरे बिल्कुल नहीं। दादाजी फिर से गेम लगाओ। हां लगाओ ना, इस बार तुम ऐसा करो तुम वाइट ले। दादाजी ये सब उसने अपने मुंह से कहा? हां भाई अपने मुंह से कहा, लेकिन तुम्हें क्या फिक्र, तुम काहे को परवाह करते हो? अरे तू डोंट वरी यार, तू को टेंशन ले रहा, कम ऑन। पर दादाजी आजकल की लड़कियां कुछ कमाल की लड़कियां होती हैं, जो बोलती वो करती भी हैं, पागल होती हैं। अगर तुम फिक्र मत करो ना, अपने को क्या करना है, हटाना है यार। हां चलो लगाओ। तुमने गोली खा ली बेटा? मैंने खा ली। इस बार जीतोगे तुम? अभी तो मैं जीतूंगा दादाजी। पता नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो जी। आप बैठो। मुझे लगता था कि तुम्हारे इस दोस्त में शायद कहीं कोई सुधार आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनाब अभी तक सोकर नहीं उठे। दादाजी आपने भी इतनी कड़वी दवा दी कि हालत से उतरना मुश्किल है।
अब इतनी जल्दी असर कैसे होगा? खैर चलिए। थैंक यू महेश, 2:30 बजे उठेगा ये देख लेना। गुड मॉर्निंग सर। चलो दादाजी, आज आप 5:35 लेट हैं एंड आई डू नॉट लाइक इट। वंडरफुल, लगता है सूरज पश्चिम से निकला है। आई कांट बिलीव दिस। एंड यू वोंट बिलीव दिस ईदर कि आज से सिगरेट और शराब दोनों बंद है। बैठिए बैठिए बैठिए, सिट सिट सिट, प्लीज सिट, बैठिए, लेट्स गो टू वर्क। आई एम प्राउड ऑफ यू सूरज। देर आए दुरुस्त आए। आज सूरज साहब दिखाई नहीं दे रहे। आपको मालूम नहीं? सूरज साहब तो अस्पताल में हैं। अस्पताल में क्या हुआ उन्हें? ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन आदमी लोग कहता था कि सूरज साहब दारू बहुत पीता था, इसीलिए उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। मैं तुम्हें देखने आई सिर्फ इसलिए कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। थैंक्स सूरज कि तुमने ये नाटक कुछ ही दिनों में खत्म कर दिया। ज्यादा देर लगाते मुझे शायद यकीन हो जाता कि तुम सचमुच सुधर गए। तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ, फिर झगड़ा हो गया? बड़ा यकीन था ना आपको कि सूरज बदल जाएगा, शराब पीना छोड़ देगा। एक हफ्ते भी वो अपने वादे पर कायम नहीं रह सका। बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं। ठहरो। सूरज यहां शराब पीने के लिए नहीं, शराब ना पीने के लिए भर्ती हुआ है। जो आदमी सुबह शाम दिन रात शराब पीता हो वो अचानक कैसे छोड़ दे तो उसका यही हाल होता है। और अगर ऐसे मौके पर तुम पास मेरे कर दिया वो नाम तेरे। एक जान थी पास मेरे हो गई वो नाम तेरे। मांग
वापस ना देना, जाओ तो तू रोक लेना। तेरे ही लिए तो मेरी जान तेरी कसम, चैन खो गया है नींद हो गई है कम। बचा बचा के आज तक रखा था, दे दिया तुझे ये दिल। एक जाम ही पास मेरे हो गई, वो नाम तेरे है। क्या तू मांगे तो मैं जान दे दूं तुझे। ये दिल की कहानी कैसे करें हम शुरू। मैं थाम लूं बाहें तेरी, आजा जरा पास तू। छुपा छुपा के आज तक रखा था, दे दिया तुझे ये दिल 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 दिल। एक दिल था पास मेरे, कर दिया वो नाम तेरे। मांगू तो वापस ना देना, जाऊं तो तू रोक लेना। तेरे ही लिए तो मेरी जान तेरी कसम, चैन खो गया है नींद हो गई है कम। बचा बचा के आज तक रखा था, दे दिया तुझे ये दिल। पहला मेरा प्यार है, थोड़े से भी टूटे न जो, ये वो कसम यार है। ना 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 ये वादा मैं तोड़ूं, ऐसा नहीं बेवफा। क्या बात है इस बात पे हो गई मैं तो फिदा। बचा बचा के आज तक रखा था, दे दिया तुझे ये दिल। एक दिल था पास मेरे, कर दिया को नाम तेरे। हो एक जा ही पास मेरी, हो गई वो नाम तेरे। मांग तो वापस ना देना, जाओ तो तू रोक लेना। तेरे ही लिए तो मेरी जान तेरी कसम, चैन खो गया है नींद हो गई है कम। बचा बचा के आज तक रखा था, दे दिया तुझे ये दिल 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 दिल। हे 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 अंदर नहीं आओगे? कॉफी थी? थी फिर कभी चलता हूं। मैं अपना वादा तोड़ना चाहती हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है, तोड़ दो। पूछोगे नहीं कौन सा वादा? बताओगे नहीं कौन सा वादा? मैं तुम्हारे बिना 6 महीने नहीं गुजार सकती। तो मत गुजारो। मतलब? तुम बताओ। अभी मुझसे? हाँ। करोगी? पहले मुझे ये देखना है कि तुम दुल्हन के रूप में कैसी दिखती हो। डन बेबी। नहीं गुआ, I'll see you tomorrow, okay? Adi ke bye.
जी साहब जी। बड़ा प्यारा बच्चा है, किसका है तुम्हारा? मेरी तो शादी भी नहीं हुई साहब। मुझे मालूम है तुम्हारी शादी नहीं हुई, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा है? शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से होगा साहब? आजकल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ हो तो सकता है, और ये बच्चा आपसे मिलने आया साहब, मैं नहीं जानता ये कौन है। मुझसे? बड़े प्यारे बच्चे हो। थैंक यू। आज तुमने मुझे अपने बचपन की याद दिला दी। बचपन में मैं एकदम तुम्हारी तरह दिखता था। हाय, I'm सूरज धनराजगीर। I'm कबीर धनराजगीर। Nice to meet you। मैं आपका बेटा हूँ। अच्छा ये बता, तेरी माँ का क्या नाम है? पूजा बच्चन। पूजा बच्चन, अच्छा हुआ अमिताभ बच्चन ही बोला। ये बता, तुझे मेरा पता दिया किसने? तू यहाँ आया कैसे? नानी ने मरने से पहले मुझे कहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पते पर चले जाना। एक एयर होस्टेस आंटी थी मेरी मम्मी की दोस्त, वो मुझे यहाँ पहुंचा गई। तो चल मेरे साथ, कम ऑन। मिस्टर धनराजगिर, हमने डीएनए और ब्लड वगैरह सब चेक कर लिया। क्या रिपोर्ट है डॉक्टर? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इसमें कोई शक नहीं कि यह बच्चा आप ही का बेटा है। थैंक यू डॉक्टर। चले डैड। मुझे डैड मत बोलना, समझे? चलो डैड। डैड, मैंने तुझे कितनी बार बोला मुझे डैड मत बुलाकर। सॉरी डैड। ये तो बड़ा तेज है यार, अभी तक शादी नहीं हुई और बच्चे संभालने की प्रैक्टिस हो रही है। कौन है ये बच्चा? ये मेरी सजा है। सजा का नाम क्या है? मेरा नाम है कबीर धनराजगिर। बड़ा अच्छा नाम है। क्या बोला? कबीर धनराजगिर, मैं इनका बेटा हूँ। सूरज, ये तेरी कहाँ की किरण है? मुझे खुद को नहीं मालूम है यार। हाँ, ये सब क्या है? अब ये भी बताना पड़ेगा। आइसक्रीम तो अच्छी थी, डैड भी अच्छे हैं। सैंडी मगर समझ में नहीं आता कि मुझसे डरते क्यों है। मुझे कोमल का टेंशन है यार, और मुझे कबीर और सैंडी की। अरे कबीर और सैंडी को कहाँ रखेंगे? अकेले तो रह नहीं सकते, और घर में हम रख नहीं सकते। जब तक इनका कोई बंदोबस्त नहीं हो जाए, इनको घर पे रखना पड़ेगा। क्या? हाँ और क्या। अब चुपचाप आता चला। सूरज जी, दादाजी, मैंने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। दादाजी ये नई बीमारी है, आपने काली खांसी, सूखी खांसी सुनी होगी, ये कुत्ता खांसी है। खांसने वाले के मुंह से कुत्ते की आवाज निकलती है। बकवास बंद करो, तुम लोगों ने फिर से देर से आना शुरू कर दिया। कहाँ से आ रहे हो? दादाजी हम लोग एक मीटिंग से आ रहे हैं। मीटिंग? एक मीटिंग में फंस गए थे दादाजी। एक फ्रेंच ग्रुप है जो हमारे साथ मिलकर होटल खोलना चाह रहे हैं। कौन सा ग्रुप? फ्रेंच ग्रुप। क्या नाम है? जी दादाजी,
अरे अब खड़े खड़े हिल क्या रहे हो? दादाजी, दुनिया में हम आपके बाद ही आए हैं, हर काम आपके बाद ही करेंगे। ये कुत्ता फिर भौंका? कुत्ता नहीं भौंका, महेश खासा। तो मैं ऐसा करूं महेश, गोली खा लो। जी, अच्छा, थैंक यू दादाजी। सुने दादाजी? हाँ करो। हाँ दादाजी, हम जानते हैं, पहले आप पैदा हुए, उसके बाद मेरे पिताजी पैदा हुए, और उसके बाद मैं। सीधे खड़े रहो। जी दादाजी। बड़ी खतरनाक खांसी है महेश को। अबे मरवाएगा क्या? बच गया। कुत्ता कुत्ता, इधर इधर। कबीर तुम इधर आ जाओ, तुम्हारा बिस्तर बन चुका है। और सैंडी तू हिलना नहीं और भौंकना नहीं, तो उठा के बाहर फेंक दूंगा, सुबह तक कैंडी बन जाएगा। डैड, एक बात पूछूं? तुझे कितनी बार बोला मुझे डैड मत बुलाकर? ओके, नहीं कहूंगा। पूछो, क्या पूछना है? वो बुद्धा जो मिला था, वो आपके दादाजी हैं? क्या तमीज से बात करो। हाँ, वो मेरे दादाजी हैं। इसका मतलब वो मेरे दादाजी हैं? अगर तुम मेरे बेटे हुए तो। आपको मुझ पर अब भी शक है? गुड नाइट। गुड नाइट डैड। सॉरी, गुड नाइट सर। अब आप चुपचाप सो जाइए। टैक्सेशन की फाइल्स का क्या हुआ? वो सूरज बाबा के पास है। दादाजी मेरे पास है, आप ऑफिस चलिए, मैं आपको ऑफिस में दिखाता हूँ। ऑफिस? क्या? ये तुम क्या इशारे करते जा रहे हो महेश? जी कुछ नहीं, पर ऑफिस तो आज। ऑफिस और बच्चा? बच्चा? बच्चों जैसी बातें कर, दादाजी आपसे छुपा रहा है, इसके पेट में बहुत तकलीफ है। क्या बात कर रहे हो सूरज, पेट में दर्द है क्या? नहीं दादाजी, बस ऐसे ही कुछ। दवा दूं? आप अपनी दवा अपने पास रखिए। सिंह साहब। यस सर। जरा डॉक्टर अग्रवाल को फोन करिए। जी सर। दादाजी मामूली सा दर्द है, वो पेरिस की पार्टी को मुगलाई खाना खाना था, उनको तो कुछ नहीं हुआ, मेरा पेट खराब हो गया। मेरे ख्याल से बेटा तुम घर पर बैठकर थोड़ा आराम करो, सेहत बहुत जरूरी होती है, काम तो कभी भी होता रहेगा बेटा। दादाजी मैं भी रुक जाता हूँ सूरज की देखभाल के लिए। सिंह साहब। जी। ऐसा करिए, आप भी रुक जाइए। ओके। दादाजी अगर ये रुक जाएंगे तो आपके साथ जाएगा कौन, आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा बेटा, सिंह साहब का यह रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपकी देखभाल करेंगे। अच्छा अच्छा बेटा। जी दादाजी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दवाई ठीक से खा लेना, महेश दवाई खिलाना। ओके चलो भाई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कबर्ड में रख देना। चल और ये पूरा नाश्ता खा लेना और खड़े रह के खाना। ओके। अरे भौंक भौंक के पूरे मोहल्ले को उठाएगा, कुछ कर यार। चुप हो जा मेरे बाप, तू पूरे शहर को उठा देगा। ए कबीर जरा तो चुप करा। क्या से? तो चुप करा प्लीज, चुप चुप करा। क्वाइट सैंडी, क्वाइट। थैंक यू। अब जरा इसे बिस्तर से नीचे उतार। सैंडी गो डाउन। मेहरबानी भाई, नीचे उतरा। अब बताइए क्या हुक्म है मेरे आका? डैडी मुझे जोर की भूख लगी। मैंने तुझे ठीक है
सुजा इसके लिए कुछ नाश्ता वाश्ता लेके आ, और इस कुत्ते के लिए कुछ बोटी वोटी लेके आ। यस यस, थैंक यू। एक ये क्या है? ये नाश्ता। ओ हाँ, नाश्ता है। लेकिन नाश्ता तो तुम सुबह कर चुके हो ना? मेरा नहीं, सूरज का है। ओ सूरज का है, लेकिन सूरज ने भी सुबह नाश्ता कर लिया है, और मेरे ख्याल से उसके पेट में दर्द भी है, और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब पेट में दर्द हो तो कुछ नहीं खाना चाहिए। देखिए ये दादाजी के जमाने का इलाज छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसे। नया ट्रीटमेंट ये है कि पेट में दर्द हो तो इतना खाओ कि दर्द के लिए जगह ना बचे। एक मिनट, ये कटोरे में दूध किस लिए? मुझे खांसी है ना, कुत्ता खांसी। इसका टोटका ये है कि कुत्ते की तरह पियो तो खांसी। और ये डैडी और लाएंगे। क्या हुआ सूरज बाबा, किसे पुकार रहे हो? इस घर में कबीर नाम का कोई नहीं है। ये है ना कबीर, मेरा नाम हरि है साहब। हरि हो या कबीर क्या फर्क पड़ता है? पीटर चाय लेके ना। पीटर जॉन चाय लेके ना। बाबा जॉन लिया क्या? सिंग अंकल कट तो कट। ओह गुड गुड, बोलिए बोलिए क्या चाहिए? मुझे चाय चाहिए। जाओ साहब के लिए चाय लाओ जी, जाओ। लगता है पेट का दर्द दिमाग में चढ़ गया है, डबल डबल नाश्ता करेंगे तो यही होगा। तुझे कितनी बार मैंने बोला कि रूम से बाहर मत निकला कर। चिल्लाइए मत, कोई सुन लेगा। मुझे भी चिल्लाना आता है। तो सुन, अगर तुझे बाहर किसी ने देख लिया होता तो आप फंस जाते डैडी। मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मुझे डैडी मत बुलाया कर, मत बुलाया कर डैडी। उठा अपने पालतू कुत्ते को और चल। कम सैंडी। हाय कोमल, हाय। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन दादाजी ने तो कहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे सर में दर्द है। तुम्हारे सर में दर्द है तो पेट क्यों पकड़ा है? वो क्या है ना कि मेरे सर का दर्द मेरे पेट तक आ गया। तुम इतने घबराए से क्यों हो? कहाँ घबराया हूँ मैं? इतने दिन बाद मिले हो, तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल खुशी है। क्या कह रही हो, कमाल कर रही हो। खुशी खुशी है, खुशी खुशी बात। क्या छुपा रहे हो? अरे मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे, ऊपर चले। ऊपर चले, लेकिन अंदर क्या है? अंदर कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा गंदा सा कमरा है। चलो ऊपर चलते। गंदा सा कमरा तो मुझे अंदर जाने दो। कोमल तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ सूरज, मैं तुम पर शक कर रही हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझ पर शक करोगी। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, और तुम मुझ पर शक कर रही हो। तुम अंदर जाना चाहती हो? अंदर जाना चाहती हो तुम? हाँ। ठीक है तो जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी बात सुनो। वाह, दिस इज फैंटास्टिक, इट्स सो क्यूट। सूरज, तुमने ये कमरा मुझसे छुपाया क्यों? ये तुम्हारे बचपन का कमरा है ना? हाँ है। तो फिर तुम इतने डरे हुए क्यों थे? क्योंकि जब भी मैं आता हूँ मेरे बचपन की यादें ताजा जाती हैं। I'm sorry. अब ऊपर चलें। अब ऊपर चलें।
It's so beautiful here. हाँ है। लेकिन तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो। कोमल, मेरा एक दोस्त लंदन में, उससे गलती हो गई। उसका एक अफेयर हो गया किसी लड़की के साथ। अच्छा? वो लड़की तो मर गई, लेकिन एक बच्चा छोड़ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी बीवी को बता नहीं सकता और बच्चे को छोड़ नहीं सकता। फिर तुमने क्या कहा उससे? मैंने उससे कहा, देखो यार, बीवी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, है ना? अगर बीवी तुमसे सचमुच प्यार करती है तो वो बच्चे को अपना लेगी और तुम्हें माफ कर देगी। तुमने ऐसे कहा उससे? हाँ। बिल्कुल गलत कहा। क्यों? अगर तुम्हारे दोस्त की बीवी को एक बच्चा हुआ किसी दूसरे आदमी से, तो क्या तुम्हारा दोस्त उसे अपनाता? पॉइंट है। अगर मैं उसकी बीवी की जगह होती ना, तो उसे ऐसी सजा देती कि वो जिंदगी भर नहीं भूलता। कैसी मतलब? जो भी मिलता उसे अफेयर कर लेती है? उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ती कहीं। हाँ। लो, 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 थोड़ा कम। मैं कुछ ज्यादा बोल गई? बहुत ज्यादा बोल रही हो, बहुत ज्यादा बोल रही हो। लेकिन हम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम हमारी तो नहीं है ना? दादाजी, उसको कल अचानक लंदन जाना पड़ा। उसके दोस्त का फोन आया था कि उसकी बहुत तबीयत खराब है, सूरज का बहुत मूड खराब हो गया और वो इमरजेंसी में यू नो चला गया। मगर मुझे बताकर भी तो जा सकता था। वो क्या है सर, जिंदगी सबसे कीमती है मगर दोस्ती जिंदगी से बढ़कर। और शट अप। क्या हुआ? शेर बोला था, समझ में नहीं आया। एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हम एक टेस्ट लेते हैं ताकि हमें पता लग सके कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है और उसे किस क्लास में दाखिल करना चाहिए। इस पेपर को सॉल्व करो। ये लो पेन। थैंक यू। यस, आई एम कमिंग। एक्सक्यूज मी प्लीज। मदद करूँ क्या? जरूरत नहीं है। इसे सॉल्व कर दिया? यस मैम। वेरी गुड। द पेपर्स प्लीज। थैंक यू। मिस्टर धनराजगीर, आपका बच्चा तो जीनियस है। ऐसा बच्चा को एडमिशन देकर मुझे बहुत खुशी होगी। आप नेक्स्ट मंडे आइए, एडमिशन हो जाएगा। तो माय डियर, आपकी सारी शॉपिंग हो गई है। शूज, बैग्स, बुक्स, मेडिसिन, क्लोथ, स्टेशनरी, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, क्रेयॉन, स्कूल बैग। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? एक बात पूछो। पूछो। आप मम्मी को बहुत प्यार करते थे। हाँ। फिर आपने मम्मी से शादी क्यों नहीं की? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, उन्हें क्यों छोड़ दिया? अब मैं तुझे क्या जवाब दूँ? अच्छा ये बताइए, मम्मी कैसी लगती थी? बहुत अच्छी। मेरा मतलब देखने में कैसी थी? तुम्हें याद नहीं तुम्हारी मम्मी कैसी थी? मैं तो बहुत छोटा था जब वो मर गई।
मुझे तो मेरी नानी ने पाला है। कैसी थी मेरी माँ? उसके बाल एकदम छोटे छोटे थे, सुनहरी कलर के। उसकी आंखें मोती की तरह बड़ी बड़ी थी, बिल्कुल मेरी तरह। उसकी नाक छोटी सी, क्यूट सी नाक, बिल्कुल तेरी तरह। थोड़ी सी सावली थी, लेकिन चेहरे पे कोई दाग या तिल नहीं था। उसके होंठ बड़े प्यारे से थे, उसकी उंगलियां। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने? सब झूठ बोला आपने। मेरी मम्मी वैसी नहीं थी जैसे आपने बोला, ऐसी थी मेरी मम्मी। आपको तो मेरी मम्मी की शक्ल तक नहीं याद है, और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपको अपना डैडी बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे स्कूल में दाखिल कर दिया। अब और कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे आकर मिलने की जरूरत नहीं है, मैं रह लूंगा अकेला जैसे आज तक रहता आया हूं। सारी दुनिया से हम
सूरज, हम एक दूसरे के साथ 2-3 महीनों से हैं, और इन 2-3 महीनों में मैंने कम से कम 1000 बार तुमसे कहा होगा, सूरज आई लव यू, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं कहा। क्यों सूरज, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? डोंट यू लव मी? देखो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरी सारी बुराइयां जानती हो और मैं तुम्हारी सारी अच्छाइयां। मैं तुमसे एक बात कहूं? हाँ कहो। देखो, लव है ना लव, वो थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन दोस्ती कभी नहीं खत्म होती, हमेशा जिंदा रहती है। सूरज, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सी लड़कियां आएंगी, हो सकता है तुम्हें सचमुच किसी से प्यार भी हो जाए, मगर मेरी जिंदगी में तुम पहले और आखिरी मर्द हो जिसे मैंने दिल से चाहा है। I really love you, सूरज। कबीर, कबीर, गुड मॉर्निंग कबीर, गुड मॉर्निंग सैंडी। कबीर, I'm sorry. I'm sorry. Kabir, I'm sorry. Oh. It's all right. Thank you. अब जल्दी से नाश्ता कर लो और उसके बाद हम लोग पिकनिक पे चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे हॉस्टल छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, मैं और सैंडी चले जाएंगे। साला कुत्ता कहीं का। गुड सैंडी। अरे मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे आड़े, मेरे टेढ़े, चलना पिकनिक पे। मैंने कहा ना एक बार मैं नहीं जाऊंगा। अबे तू क्या, तेरा बाप भी चलेगा। कोनान, कोमल कैसी हो? मुझसे बात मत करो। अरे ऐसा नहीं कहो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं तो मर जाऊंगा। तो फिर मुझे बिना बताए गए क्यों? बहुत जरूरी काम आन पड़ा, यहाँ तक कि मुझे तुम्हें फोन करने का टाइम भी नहीं मिला। तो फिर आज टाइम कैसे मिला? तुम्हारी कसम, तुम्हारी बहुत याद आ रही मुझे। तो बताओ अचानक इस तरह तुम चले क्यों गए? ये मैं तुम्हें आके बताऊंगा। लेकिन तुम आ कब रहे हो?
आंखें बंद कर लो, अभी आ जाता हूँ। मजाक मत करो सूरज, बताओ ना। परसों। Promise? I miss you. And I love you very much. Sweetheart. पैंट नहीं पहन क्या है? पहना है ना शॉर्ट्स। चल के सर। अभी तक सोए नहीं आप? मुझे अकेले में नींद नहीं आती, डर लगता है। फेरी टेल्स पढ़ा कीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। फेरी टेल पढ़ने में नहीं, सुनने में बहुत अच्छी नींद आती है। और मेरा इस दुनिया में कौन है जो मुझे फेरी टेल सुनाएगा? आपकी मम्मी आपको कहानियां नहीं सुनाती थी? जब मैं बहुत छोटा सा था ना, तो मेरे मम्मी और मेरे डैडी एक प्लेन क्रैश में मर गए। हाँ, दादाजी ने बहुत कोशिश की कहानी सुनाने की, लेकिन जैसे वो अपना मुंह खोलते कहानी सुनाने के लिए, मैं सो जाता। मैं आपको कहानी सुनाऊं? एक था बाप और एक था बेटा। नहीं नहीं, ये नहीं, दूसरी। एक था फादर और एक था सन। दोनों पिकनिक पर गए, बीच में टायर पंक्चर हो गया। सुन कबीर, मैंने तेरा सब इंतजाम कर दिया है। मैं वॉर्न को पैसे दे दिए तेरे पॉकेट मनी के लिए। चौकीदार से कहा है कि संडे के संडे तुझे सैंडी से मिलने ले जाएगा। मैं भी तुझे मिलने आऊंगा। जब भी तुझे मेरी याद आए या मेरी जरूरत पड़े, मुझे फोन कर देना। थैंक यू सर। बाय सैंडी। Yeah.
दादाजी। अरे चल रहा हूँ ना तुम। जल्दी जल्दी में खिलाते हो इसलिए सारा गड़बड़ करते हो मेरा। अच्छा चलिए। हाँ चल रहा हूँ। अब अगर मैं क्या कर रहे दादाजी, एक तो तुमसे नमक खेलना बंद कर दूंगा। अब अगर मैं इसको यहाँ अगर आप इसकी जगह अपना घोड़ा चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा मिस्टर धनराजगीर। हाँ ये तो है। कौन हो तुम? मैं हूँ कबीर धनराज। दादाजी 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 अरे मेरा बच्चा मेरा बेटा, सूरज कैसा है? मैं ठीक हूँ। दादाजी ये कबीर धनोआ है, ये मेरे दोस्त का बेटा है। इसकी माँ मर गई और इसकी सौतेली माँ से रखना नहीं चाहती, इसलिए मैं यहाँ पे ले आया। ये तो कमाल का लड़का है और चेस का तो जीनियस है। बेटा तुमने शतरंज खेलना किससे सीखा? अपनी माँ से मिस्टर धनराजगीर। देखो बेटा धनराजगीर मैं बाहर के लोगों के लिए हूँ, यहाँ सब मुझे दादाजी बुलाते हैं। लेकिन मैं आपको दादाजी नहीं कहूँगा मिस्टर धनराजगीर। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों के दादाजी हैं, तो मेरे परदादाजी हुए। I am very happy to see you. So am I. Really? Come on, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। I am sure you will like it. आओ। चलो अच्छी शुरुआत हुई। इतनी सी शीशी लेकिन इतनी पावरफुल है कि एक डोज में आधी बीमारी दूर कर दी। दादा का दादा निकला यार। आओ बेटा। अरे वाह, इतने सारे खिलौने, यहाँ कोई और भी बच्चा रहता है? नहीं, ये सूरज के बचपन का कमरा है। कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा। आज से ये सारे खिलौने तुम्हारे और ये कमरा भी तुम्हारा बच्चे। थैंक यू। और आपके घर में सब नकली जानवर है, कोई असली जानवर नहीं है? असली मेरा मतलब गाय, भैंस, भालू, बंदर, घोड़ा या फिर। हाँ समझ गया बेटा, पर क्या है ना बेटा, ये घर है, चिड़ियाघर नहीं है। हा? तो फिर आप डॉगी तो पाल सकते हैं। ना डॉगी हरगिज नहीं, मुझे डॉगी से एलर्जी है। क्यों? वो इसलिए कि एक बार मेरे अपने कुत्ते ने मुझे काट लिया था। उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि इस घर में हर कोई आ सकता है लेकिन डॉगी नहीं आ सकता, समझ गए? अब तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। डॉगी नहीं आ सकता, क्यों वो सैंडी? सुनो, अगर ये सैंडी अंदर आया ना तो तुम हमेशा के लिए बाहर जाओगे। जे? और जे कुत्ते ने काट खाया तो? अगर कुत्ते ने काट लिया तो तुम्हें 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, अगर मैंने काट लिया ना तो तुम्हें पूरे 140 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, समझे? जो बोल रहा हूँ वो करो। पकड़ो से, पकड़ो पकड़ो। इस दिल में क्या है? धड़कन। धड़कन में क्या है? साजन। फूलों में क्या है? खुशबू। आंखों में क्या है? जादू। क्या है?
और कैसा कोई जादू सा बस चल रहा है, पागल ना मैं हो जाऊं, इस दिल में क्या है धड़कन में क्या है फूलों में क्या है खुशबू आंखों में क्या है जादू तू मेरी जान है तेरा दिल भूलता ही नहीं है जागूं या मैं सो जाऊं इस दिल में क्या है धड़कन में क्या है के लिए फोन है जी। हेलो हेलो मैं कोमल बोल रही हूँ, जरा सूरज को लाइन देंगे। सॉरी इस वक्त वो आपसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? वो बिजी है। क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं मेरे साथ। आप? कबीर। कबीर कौन? अभी इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है, बाद में फोन कीजिएगा। अब हम लेंगे छोटी सी कोमल ब्रेक। हाय स्वीटहार्ट। हाय, I love you। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे दो मिनट मिलेंगे? दो मिनट क्या, सारी जिंदगी निछावर कर दूं? पहले ये बता, ये बच्चा कौन है? कबीर। कबीर? हाँ, जो मेरा दोस्त है लंदन में उसका। अच्छा, तो ये वो है। लेकिन तुम उसे इधर क्यों लाए हो? कहाँ लेके जाता? मेरे अलावा उसका कौन है दुनिया में? अगर लाए हो तो इसे कुछ मैनर्स भी सिखाओ। क्यों, कोई बदतमीजी की तुमसे? मैंने तुम्हें फोन किया था, उसने कहा तुम बिजी और फोन काट दिया। कबीर। यस सर। बेटा कमल आंटी का फोन आया, तुमने मुझे फोन नहीं दिया? आप खेल रहे थे। कबीर जब भी कमल आंटी का फोन आए तो मुझे फोन दे दिया करो, समझे? ये तुम्हारे होने वाली आंटी है। होने वाली आंटी? होने वाली आंटी। सॉरी बोलो। सॉरी कोमल आंटी, मुझसे गलती हो गई। इट्स ऑल राइट। अब आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर मिलाइए हाथ। सॉरी कोमल आंटी, फिर से गलती हो गई। जा बैटिंग कर, बैटिंग जा। ये लो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने फोन क्यों किया? मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं तुम्हें बता सकूं कि कल मेरी छुट्टी है। छुट्टी का दिन है? इसका मतलब रोमांस का दिन है? ए, तुम लोग सोचो देखो। थैंक यू।
कम? It's beautiful. लेकिन आज तो ना मेरा जन्मदिन है और ना तुम्हारा, तो फिर ये ब्रेसलेट? आज हमारी शादी, हमारे प्यार की एनिवर्सरी है. कमाल है, तुम्हें इतनी पुरानी बात याद रही. मुझे तुम्हारी हर बात याद है. अच्छा, इसलिए लंदन जाते वक्त मुझसे मिलना याद नहीं रहा. तो अभी तक इस बात को भूल ही नहीं. Excuse me. Hello? सूरज. Hello? मैं खाने पे आपका इंतजार कर रहा हूँ. हाँ कबीर, तुम खाना खा लो और ब्रश करके सो जाओ. गुड नाइट. कबीर का फोन था. भूखा होगा, खाना छोड़कर चले. कोमा. थैंक यू सूरज, आज तुम उसके पास भाग कर नहीं चले गए. कोमल, तुम बड़े अजीब हो. तुम्हारा गंदा सा घटिया सा दोस्त, उसने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम उसका बच्चा संभाल रहे हो. कोमल, कबीर बहुत अच्छा लड़का है. कहाँ जाता वो? मुझे नहीं पता, लेकिन जब से वो आया है कुछ ठीक नहीं लग रहा. उस दिन पिक्चर जाना था, तुम उसको सुला रहे थे. ड्राइव पर जाना था, तुम फुटबॉल खेल रहे थे. क्रिकेट खेल रहे थे. मुझे डर लग रहा है सूरज, कहीं वो तुम्हें मुझे दूर न कर दे. कोमल, कबीर एक 8 साल का बच्चा है. वो कोई जवान खूबसूरत औरत नहीं है जिसके साथ मेरा कोई चक्कर चल रहा है. मुझे नहीं पता सूरज, तुम उसे वापस छोड़ कर आओ. ठीक है, मुझे कुछ टाइम दो. जहां कबीर को पहुंचाना है मैं उसे वहां पहुंचा दूंगा. मेरे लिए द यूजुअल और मैडम के लिए थोड़े से कपड़े और. सूरज गौर, नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ. यहाँ पे ऑर्डर में टाइम लगता है, जब तक तुम ये ओढ़ लो. तुम पे ये सूट भी करता है. आई 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 आई, अरे वाह कबीर बाबू, आपका तो मामला बिगड़ गया. ये देखिए, ये मेरी क्वीन के जोर पर मेरे प्यादे की आपके राजा को शह और ये मात. दादाजी आप अपनी चाल वापस ले लीजिए. चाल तो वापस नहीं होती बेटा. दादाजी आप 3 गेम हार चुके हैं, आप चौथी भी हार जाएंगे. चाल वापस ले लीजिए. बिल्कुल नहीं, तुम अपनी चाल चलो ना बेटा. दादाजी शायद आपने देखा नहीं कि मेरी क्वीन आपके किंग को मार रही है. तू कभी रही है कार्पो, लगातार दादाजी को हराते जा रहा है. सुनो, तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे? अच्छा दोबारा एक गेम खेलते हैं, अब मैं तुम्हें हराऊंगा जरूर. ठीक है, लेकिन एक शर्त. शर्त मुझे मंजूर है. थैंक यू. और इस बार मेरे वाइट. ठीक है, तो मेरी ब्लैक. दादाजी आप समझदारी गोली खा लीजिए, अच्छा रहेगा. अरे नहीं चाहिए, जा ले लो इसे. मुकाबला खतरनाक हो तो जा रहा है. खिलाओ. बोतल खाली? सारी गोलियां किसने खाली? मैंने. दादाजी को हराना जो था. अरे यार, अरे पकड़ो ना, फील्डिंग करो ठीक तरह से तुम लोग. बॉल दो जल्दी भाई. अरे क्या कर रहा है तुम, बॉल भी पकड़ा नहीं. ये कैसे हो गया? जिनको आता था गुस्सा कुत्ते पे कभी, उनको कुत्ते पे प्यार आता है अभी. नहीं समझे? नहीं समझा. अभी समझाता हूँ. बड़े मियाँ ने शतरंज पे शत रखी, छोटे मियाँ ने हरा दिया. तो बड़े मियाँ के हारने के बाद कुत्ता खुशी से भौंकता हुआ घर के अंदर चला आया. अब समझा सूरज बाबा, इस घर में मैंने इतनी खुशी पहले कभी नहीं देखी. अरे मरवा दिया दादाजी ने. अरे क्या बॉलिंग कर रहे हैं आप, अगर ऐसी बॉलिंग करें तो हमारी टीम हार जाएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तो बॉलिंग है, बॉलिंग ऐसे की जाती है. आप तो फेंक रहे हैं. डू लाइक दिस, डू अंडरस्टैंड? ट्राई टू अंडरस्टैंड टू प्ले, हाउ टू प्ले. थैंक यू. आउट 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 आउट. ऐसे कैसे आउट? ये तो चीटिंग हुई, ये हमारी टीम में नहीं है. अरे क्या बात करते हो, कोमल हमारी धनराज की टीम की कैप्टन है भाई. आपकी कैप्टन होगी, मेरी नहीं, मैं आउट नहीं हूँ. अरे तुम बताओ लाला महेश नाथ, तुम्हारे क्या कमेंट्स हैं भाई? मेरे ख्याल से कबीर को एक सॉरी चांस देना चाहिए. हाँ. लेकिन टी ब्रेक के बाद. ओके. आओ बेटा, जीती रहो जीती रहो. चलो बैठो दादाजी. बैठो. Thank you for playing without me.
हाय कैमल, आई मीन कोमल। कोमल बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम आ गई। तुमसे दो जरूरी काम थे। बोलिए। एक तो अपने मम्मी डैडी को हमारे पास भेज दो, शगुन की तारीख तय करनी है, और दूसरा तुम शादी के कार्ड सेलेक्ट कर लो। महेश के पास कार्ड्स को लेकर एक बड़ा अच्छा आइडिया है। महेश, कोमल को कार्ड्स का आइडिया बताओ। ये शादी का कार्ड नहीं बल्कि हिंदुस्तानी सभ्यता का इतिहास है। अरे ये तो पान है। तुम्हारी शादी का बुलावा इस पान के पत्ते पर चूने और कत्थे से लिखा जाएगा, और जहाँ चावल चिपकाते हैं वहाँ सुपारी चिपका दी जाएगी। पढ़ने वाले का मुंह होगा लाल, यही है महेश का कमाल। ये इसको क्या हुआ? मैं देखता हूँ। वो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी नहीं है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। कबीर, तुम कोमल को जानते नहीं हो। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। उसे मालूम है कि मैं आपका कौन हूँ? नहीं, अभी नहीं मालूम, लेकिन मैं उसे बता दूंगा। कब बताएंगे आप? कुछ ही दिनों में बता दूंगा। कुछ ही दिनों में तो आपकी शादी होने वाली है, फिर कब बताएंगे आप? तो शादी की बात बता दूंगा। नहीं, आप उससे शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने मेरी माँ से शादी नहीं की। वो तेरा बहुत ख्याल रखेगी। और अगर वो नहीं मानी, उसने कहा कि मुझे घर से निकाल दो, तो क्या करेंगे आप? घर से निकाल देंगे मुझे? बताइए, बताइए ना। सूरज, अब आप यहाँ भी आ गई? आपको दिखाई नहीं देता हम दोनों जरूरी बात कर रहे हैं? प्लीज लीव। I'm sorry। कोमल, कबीर, बदतमीज। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इट्स ओके। कबीर का फोन था, सॉरी कह रहा है। आई एम सॉरी कोमल आंटी। आई एम सॉरी सूरज अंकल। वैसे तुम्हारा निशाना बहुत घटिया है। भाई दूल्हे वाले तो दुल्हन के घर आते हैं, मगर आज ये दुल्हन की बारात दूल्हे के घर कैसे आ गई? हम आपको इनवाइट करने आए हैं भाई साहब, आज रात को संगीत का प्रोग्राम है। जी, हम आएंगे, जरूर आएंगे, मगर हमारी एक शर्त है, आपको हमारे साथ नाचना पड़ेगा। हमारी भी एक शर्त है, आप सूरज को साथ लेकर आएंगे। उसको तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हीरो के बगैर कोई गाना होता नहीं। चलेगी ना जी, ना जी। चल प्यार करेगी हाँ जी, हाँ जी। ओ मेरे साथ चलेगी ना जी, ना जी। अरे तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी सोनी है, हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे, हम घर में
करेगी। हाँ जी, हाँ जी। सूरज बड़े परेशान बैठे हो। कम ऑन टेक इट इजी यार, तेरे पास तो हर समस्या का हल है। बड़े बड़े प्रॉब्लम को तूने सॉल्व कर लिया यार, छोटा सा प्रॉब्लम है यार, कम ऑन निकल जाएगा। यू आर सूरज धनराजगिर। बकवास बंद करो, ये आपको छोटा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है आप कॉमेडी के जा रहे हैं क्या? आपको उस सूरज धनराजगिर में और इस सूरज धनराजगिर में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? मैं बदला किसकी वजह से हूं? किसकी वजह से मैं बदला हूं? कोमल की वजह से। क्यों? क्योंकि मैं कोमल से बेहद प्यार करता हूं और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूं, और जब उसको पता चलेगा
कि मेरा एक बेटा है, क्या मुझसे शादी कर पाएगी? बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। जब मैं अपने बेटे के पास जाता हूँ तो वो अपने आप को इस दुनिया में अकेली महसूस करती है, और जब मैं उसके पास जाता हूँ तो ये अपने आप को अनाथ महसूस करता है। आपके लिए बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होगी मिस्टर महेश, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझे आप? मैं जानता हूँ ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम इतने बदल गए हो ना, तो कोमल को साफ साफ बता दो कि कबीर तुम्हारा बेटा है। जी, मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। एक मिनट, कोमल तेरे दोस्त का फोन है। हेलो हेलो कोमल, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उसके लिए मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है जी? मैं तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कोमल। वो बात तो मुझे मालूम है। मेरी बात सुनो। तुम कहोगे आई लव यू और मेरा जवाब है आई लव यू टू। वी लव यू टू। शिट, मुझे कोमल से 5 मिनट लिए मिलना है। देखिए सूरज, अब तो थोड़ी देर की बात है, बल्कि 40 घंटों बाद तो कोमल हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। जीवन भर बातें करते रहना। जी, जी आंटी। देखो बेटे सूरज, बुरा मत मानो, लेकिन इस वक्त मुझे क्षमा करो। लेकिन ऐसी क्या बात है जो? ऐसा यूं है बेटे कि माइयों से लेकर 7 फेरों तक अगर दूल्हा दुल्हन अकेले में मिले तो बहुत बुरा शगुन होता है। हमारा कहना मानो, हम पर मेहरबानी करो और जो भी कहना सुना है ना वो सब शादी के बाद, ठीक है? मेरी वजह से परेशान है ना सर? आपको डर है ना कि अगर मैं अपने और आपके रिश्ते के बारे में किसी को बता दूं तो आपकी शादी रुक जाएगी? इस डर को अपने दिल से निकाल दीजिए सर। मैं जानता हूँ आप कोमल आंटी को बहुत प्यार करते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप मेरे डैडी हैं। और आप भी भूल जाइएगा सर कि मैं आपका बेटा हूँ। मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है, एक धन राजगीर का वादा। कैसे हो? क्या बात है?
दादाजी, मैंने आपसे कुछ छुपाया है, लेकिन अब मैं सच बोलना चाहता हूँ। बोलो ना बेटा। दादाजी, मैंने आपसे हमेशा झूठ बोला है, लेकिन उस झूठ से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, जानता हूँ बेटा, लेकिन अब और झूठ नहीं बोल सकता मैं आपसे। तो सच बोल दो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? बोल दो बेटा। लेकिन पंडित जी कब तक आ रहे हैं कुछ पता लगाओ, जाओ। और बुआ जी को एयरपोर्ट लेने अब कैसे लग रहे हैं? बस कीजिए, बस कीजिए। ओके ओके, हम अंदर आ सकते हैं? आप इस वक्त कैसे आ गए? नमस्ते भाई साहब, सब ठीक तो है ना? सूरज आप लोगों से कोई जरूरी बात करना चाहता है। जल्दी कहो बेटा, मुझे घबराहट हो रही है। हर एक आदमी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां उसके सामने एक सवाल आके खड़ा हो जाता है और उसके पास सवाल का जवाब नहीं होता। आज मेरे सामने एक ऐसा सवाल आके खड़ा हो गया है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। हम सब यहां इसलिए आए हैं ताकि आप हमारी मदद कर सकें। शायद मेरे सवाल का जवाब आप में से किसी के पास हो। एक लड़का था, आवारा बदचलन शराबी, जिसके लिए जिंदगी में कोई भी चीज मायने नहीं रखती थी, ना उसका अतीत ना उसका भविष्य। वो पल पल के लिए जीता था। एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिसने उसे सर से पांव तक बदल दिया, उसे प्यार करना सिखाया, उसे जिंदगी जीना सिखाया, सच बोलना सिखाया। उस लड़की की जिंदगी में एक इंकलाब आ गया। उसे ऐसा लगा कि उसका भी भविष्य हो सकता है, एक बहुत खूबसूरत भविष्य। लेकिन अचानक उसका अतीत उसके सामने आ गया, उसका गुजरा हुआ कल। अब समस्या ये है कि जब तक ये अपने अतीत को नहीं छोड़ता, अपने भविष्य तक नहीं पहुंच पाता। वो लड़का मैं हूं, और ये मेरे दोस्त का बेटा नहीं, मेरा बेटा है। मेरा गुस्सा वक्ल, मेरा अतीत और कोमल, मेरा भविष्य, ये मुझे छोड़ नहीं सकता और मैं कोमल को छोड़ना नहीं चाहता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। सूरज, मैं तुम्हें एक शरीफ खानदान का शरीफ लड़का समझता था। हे भगवान, मेरी बच्ची का क्या होगा? धनराज जी, आपने हमें धोखे में रखा, ये सब आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे खुद अभी मालूम हुआ है, मैं सबसे पहले आपके पास चला आया। शर्म आनी चाहिए आपको, शाम को शादी है और सुबह ये खुशखबरी लाए हैं आप। मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, सारा शहर हंसेगा मुझ पे।
सूरज आपका मुजरिम है, इसे आप जो सजा देना चाहें दे दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अजी आप कुछ ना बोलिए, हम तो बोलेंगे। ये शादी नहीं हो सकती। हा? कैसी बात कर रही हो? अगर ये शादी ना हुई तो मेरी बच्ची बदनाम हो जाएगी, और अगर हो गई तो तड़प तड़प के मर जाएगी। तुम्हें इस बाप की पोट को छोड़ना होगा, तुम्हें इन दोनों में से एक को चुनना होगा, इस बच्चे को या हमारी बेटी को। सोच कह रहे हो बेटा, बोलो ना क्या फैसला है तुम्हारा। अगर फैसला मुझे ही करना है तो मैं कबीर को नहीं छोड़ सकता। मैं गला ना घोट तुम इस हरामजादे का। होश में आइए भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी वजह से आप लोगों को बहुत बदनामी और परेशानी उठानी पड़ी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। कोमल, मैं तुमसे माफी मांगने की भी लायक नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठहरो, सबने सब कुछ बोल दिया, लेकिन किसी ने ये भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूं, मैं क्या सोचती हूँ। आप लोग मेरी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं ना, और मुझसे इतना भी नहीं पूछा कि ये फैसला मुझे मंजूर भी है या नहीं। ये क्या कह रही हो बेटी, इस धोखेबाज से शादी करोगी? अगर सूरज को धोखा देना होता तो वो आज नहीं आता, शादी के बाद सब कुछ बताता, तब क्या कर लेते आप लोग। मैं सूरज को जानती हूँ, वो झूठा नहीं है, वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था, वो डरता था कि अगर सच्चाई सामने आ जाए तो मैं उसे छोड़ दूंगी, उसका प्यार हार जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है सूरज, आज तुमने जो कुछ भी किया वो एक शरीफ और ईमानदार आदमी ही कर सकता है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर कबीर मुझे अपनी मम्मी मान ले की गोली खाओगे। जाना न जाना।
पुराना हो जाना न जाना।